समाज में फैली कुप्रथाओं को दूर करने के लिए मुरादाबाद की मस्जिद से एक फरमान निकाला गया है। उसमें कहा गया है कि लड़की की शादी में लड़के के माँ बाप यानी समधी समधन को दिए जाने वाले सोने चांदी के जेवर अब नहीं दिए जाएंगे। इससे लड़की पक्ष पर बोझ पड़ता है तो कई बार ये रस्म रिश्तों में दरार डाल देती है। ना कोई देगा ना कोई लेगा, इस बात पर मस्जिद में मौजूद मुस्लिम समाज के सभी लोगों ने समर्थन किया। इमाम ने मुस्लिम समाज में चलने वाली कुछ ऐसी परंपराओं के खिलाफ तकरीर करते हुए कह दिया कि जिन रस्मों की वजह से कई बार रिश्ते खत्म होने की नौबत तक आ जाते हैं, इसलिए इस प्रथा को बंद किया जा रहा है। इमाम शंबे अली का कहना है कि इस बात को आने वाली पीढ़ी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। वहां मौजूद लोगों ने ही नहीं, इलाके के जिस व्यक्ति ने इमाम का यह फरमान सुना उसने भी इसका समर्थन करते हुए तारीफ की। एक पागवाड़ा की जामा से ऐलान किया गया है कि समधी समधन को जो चीज़ें दी जाती हैं वो वाहियात चीज़ें गलत है, क्या मानते हैं आप? ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है पागवाड़े के इमाम साहब ने कि जो आवाम के बारे में सोचा, और इससे मैसेज जाता है कि जब ये रिश्ते की रस्म होती है तो उसमें चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा आपस में ना इत्तेफाकी बनती है कि सास को इतनी चीज़ आई हैं और ससुर को इतनी चीज़ आई हैं। तो ये प्रथा जो चली आ रही है ये बहुत ही गलत प्रथा है। इसको इमाम साहब ने जो शुरुआत की है हम उसके समर्थन में हैं, बहुत अच्छी पहल की है जो इसको रोका जाए। क्या फैसला लिया गया? इमाम साहब ने फैसला ये लिया है कि मंगनी की जितनी भी रस्में हैं सारी ख़त्म की जाएँ, और जो बाहियात चीज़ें दहेज में हैं वो सब ख़त्म की जाएँ, और जो तौर तरीका है वो अपनाया जाए, सुन्नत के तरीके पर काम किया जाए। समधी समधन को जो चीज़ें देते हैं उन पर रोक लगाई जाए, और अक्सर मैंने देखा है उन पर विवाद होते हुए नज़र आता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं इन बातों पर। जब समधी समधन को कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो उस पर कोई विवाद नहीं होगा। कोई समधी या समधन ये नहीं कहेगी तेरी सास ससुर ने मुझे कुछ नहीं दिया या मेरे लड़के के सास ससुर ने कुछ नहीं दिया। जब रोक लगी हुई है तो कोई कुछ कहेगा नहीं इस बात पर, तो घर बिगड़ेगा नहीं। इसके अलावा शादी में नाश्ता और खड़े होकर खाने के लिए भी इन पर भी रोक लगाई गई है, इन पर भी मांग की गई है कि ये चीज़ें सब रुकनी चाहिए। सुन्नत जो तरीका है हम लोगों का उसी सुन्नत पर अमल करना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने इस कायनात को पैदा किया है। दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके सदक़े में अल्लाह सुबहानहु व ताला ने इस कायनात इस सारी जहान को पैदा फरमाया है। अभी अभी जो हमारे यहाँ पागबड़ा जिसमें तमाम मुस्लिम समाज के लोग एक जगह इकट्ठा हुए, तो हम लोगों ने वो फतवा तो जारी नहीं किया, लेकिन उसमें जो काफ़ी वक्त पहले काफ़ी टाइम पहले से हम लोग कोशिश और मेहनत में लगे हुए थे कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए आज जब मुआशरे के अंदर समाज के अंदर देखा जाता है तो बहुत सारी नौजवान लड़कियां बैठी हुई नज़र आती हैं। वो नौजवान लड़कियां जो अपने वालिदैन के लिए रहमत बनी हुई थी, वही वालिद वही वालदा उन बच्चियों को एक बोझ सा समझने लगा। तो उस तमाम महंगाई को देखते हुए पागबड़ा के तमाम मुस्लिम समाज, तमाम ही बिरादरी ने और जो अच्छा जहन रखने वाले लोग हैं उन्होंने ये तय किया कि पागबड़ा के अंदर एक ऐसी मीटिंग की जाए कि इस बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जहां तमाम जवान बहनें लड़कियां बैठी हुई हैं, एक ऐसी मीटिंग की जाए कि शादी से पहले होने वाली, यूँ तो बहुत सारी रसूम बहुत सारी यानी रस्में पाई जाती हैं, मैं तो कहूँगा मुस्लिम समाज के अलावा भी अगर दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसी रस्में पाई जाती हैं कि जहाँ वो जवान बेटियाँ बैठी रह जाती हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक मीटिंग रखी और तमाम ही पागबड़ा के मुस्लिम समाज के लोग, तमाम ही बिरादरी के लोग, मुस्लिम बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए और हमने यहाँ तय किया कि शादी से पहले जो मंगनी की जाती है और उस मंगनी में जो सास और ससुर को यानी समधी और समधन को जो सोने और चांदी की चीज़ें दी जाती हैं 5, 7 या 9, 11 वगैरह, तो उनका बायकाट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पागबड़ा के मुस्लिम समाज के तमाम ही लोग इस हमारी जामा मस्जिद में पागबड़ा में इकट्ठा हुए और सभी ने हमारी इस बात को लब्बैक कहा और यहाँ पागबड़ा से जो मंगनी की एक रस्म थी वो बुराई की तरफ और बड़ी तब्दील होती जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने इस बात का अहद किया, वादा किया कि पागबड़ा मुस्लिम समाज न सास ससुर को यानी लड़की की तरफ से जो दी जाने वाली चीज़ें थी सास ससुर को यानी समधी समधन को, ना वो चीज़ दी जाएगी और ना ही वो चीज़ ली जाएगी।
تمام ہی لوگوں نے اس بات پہ اتفاق کیا اور عہد کیا کہ انشاءاللہ آئندہ اس بات پر ہم لوگ عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی لڑکی کی طرف سے کافی دہیج دیا جاتا ہے، کیا اس پہ کوئی نہیں عمل کیا؟ میں تو کہوں گا جیسے سماج کے اندر جہیز ایک اچھی حالات پر اگر لوگ کم جہیز دیا کرتے تھے بہت ہی اچھی بات تھی، کوئی برائی نہیں تھی، لیکن آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ ایک نچلے طبقے کا انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے لڑکی کی طرف سے کہ وہ آخر جہیز کہاں سے اکٹھا کرے، یہاں تک کہ وہ سود وغیرہ پہ پیسے لاتا ہے اور اپنی شان و شوکت کے لیے بیٹی کو نکاح کی تیاری کرتا ہے، آخر یہ ہو جاتا کہ وہ قرض کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ تو میں تمام ہی چینلز کے ذریعے تمام ہی عوام سے گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں بھی اگر پاک بڑے کے علاوہ جہاں بھی اگر سماجی لوگ دانش مند لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اپنی بستی کے اندر اگر ایسی مہم چلائیں گے تو انشاءاللہ آج ہم نے ایک رسم کو روکا ہے، کل دوسری رسم کو روکیں گے۔ جیسے آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ جہیز کے تعلق سے، تو آج ہم نے منگنی کی رسم جو چیزیں تھیں اس کو روکا ہے، انشاءاللہ کوشش رہی تو آئندہ کے لیے جہیز کے کم کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ امام صاحب شادی کے اندر دعوت کے اندر کچھ طور طریقے میں بھی آپ نے پریورتن کی بات بولی تھی، اس کو کچھ؟ جی، یہ جو آپ نے سوال کیا بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ جیسے اسٹینڈنگ میں کھڑے ہو کر کے کھانا دیا کرتے تھے، شریعت کے مطابق بھی وہ غلط ہے اور اگر ہم عقلی حساب سے بھی اگر اس کو دیکھیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کہ ہم جتنے کھانے کا جتنے لوگ بھی بارات میں شامل ہوتے ہیں اتنے کا انتظام ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن وہی کھانا جب اسٹینڈنگ میں یعنی کھڑے ہو کر کے کھانا دیا جاتا ہے تو اس میں کھانے کی بربادی بہت ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہاں یہ بھی طے کیا ہے کہ جو لوگ اسٹینڈنگ میں کھانا دیتے ہیں ان سے گزارش بھی کی ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کھانا یعنی بیٹھ ہی کر ٹیبلز وغیرہ لگا کر کے کھانا دیں گے اور وہ اسٹینڈنگ میں کھانا نہیں دے پائیں گے۔ اس مشن کی شروعات پاکبڑے سے ہو رہی ہے؟ ہم نے پہلے بھی یہ مشن جو ہے اپنے پاکبڑے ہی پر یعنی لاگو کیا تھا اور اب بھی ہم نے پاکبڑے ہی واسیوں سے یہ بات کہی ہے، چونکہ دوسرے بستی کے لوگوں سے ہم واقف بھی نہیں ہیں، معلوم نہیں کہ وہ کیا کیسا مزاج رکھتے ہیں، تو اب پاکبڑے بستی کے لوگ ہم ان کے مزاج کو جانتے ہیں، وہ ہمارے مزاج کو جانتے ہیں، اس لحاظ سے ہم نے پاکبڑے ہی پر یہ یعنی رسم جو غلط ہے اس کو رسم ختم کرنے کے لیے یہ ہم نے قدم اٹھایا ہے۔ جے بی ڈی بینکویٹس لائے ہیں انکریڈیبل میرج پیلس راج گھرانا اینڈ دا فائنسٹ بینکویٹ ہال جیوتی گارڈن، ورلڈ کلاس کیٹرنگ، سینٹرلی ایئر کنڈیشن، لش گرین لانز، اسٹیٹ آف دی آرٹ لائٹنگ، ا پرفیکٹ وینیو فار ویڈنگ، لانچنگ اینڈ پارٹیز، راج گھرانا اینڈ جیوتی گارڈن ایٹ جے بی ڈی بینکویٹس انٹرپرائز۔ ایسے ہی لیٹسٹ خبریں پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں، ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ धन्यवाद।